आइए जानते हैं वरिंदर से कौन सा है वो स्टॉक जो आज उनके रडार पर है बेहतरीन रिसर्च के बाद। वरिंदर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताएं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। डिस्क्लोजर सबसे पहले, यू नो वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। मेरे पर्सनल में इन्वेस्टर्स के पास और पारा क्लाइंट्स के पास वी हैव बीन एडवाइजिंग दिस कंपनी, सो वी आर वेरी बायस्ड। प्लीज आप अपने यू नो किसी भी कंसल्टेंट से एडवाइस लीजिए बिफोर यू नो इवन इफ यू थिंक ऑफ बाइंग दिस कंपनी। सर हम बात कर रहे हैं आयन एक्सचेंज की। यू नो पहले तो बड़ा पिक्चर सर, आई डोंट नो कि अगले कुछ दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग थीम एक है जो हम बहुत टाइम से बुलिश हैं। आपके चैनल पे हमने केएसबी के बारे में पहले बोला हुआ है, और आयन एक्सचेंज इज अ कंपनी विच फिट्स टू दैट मैन्युफैक्चरिंग थीम, नॉट ओनली फॉर फ्यू वीक्स और क्वार्टर्स, आई थिंक फॉर मेनी मेनी ईयर्स टू कम। सर एक सिंपल लाइन में है कि 40% आरओसी वाली कंपनी आज भी आपको कुछ 12-13 टाइम के मल्टीपल पे मिल रही है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन दिस। क्या है ये कंपनी सर? ये वाटर थीम बेस्ड कंपनी है। अगर आप वाटर पे बुलिश हो तो ये एक कंपनी है और एकमात्र ही कंपनी इंडिया में जिसको आपको देखना चाहिए। सर पूरे का पूरा जो ESG होता है ना, एनवायरमेंटल सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस थीम पे बेस्ड कंपनी है ये। वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एनवायरमेंट सॉल्यूशन सब में ये पायोनियर है कंपनी। सर एक छोटा सा स्टैटिस्टिक्स है जो गवर्नमेंट ने भी रिलीज किया हुआ है कि आगे जाके 2-3 साल में जो वाटर और वेस्ट ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में है सर, उसका कैपेक्स जो है 83% बढ़ जाएगा अगले 5 साल में। वो आज की डेट में ऑलमोस्ट $8 बिलियन है, ऑलमोस्ट 60-70 हजार करोड़ है सर, वो आगे जाके 1.2 लाख करोड़ हो जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो तो जो सेक्टर टेलमेंट ही कितना बड़ा है इस कंपनी में। कमिंग टू द सर 3PPP मॉडल, सबसे पहले प्रमोटर की अगर बात करते हैं सर, तो इस कंपनी में 50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कंपनी 1964 में बनी हुई है, प्रमोटर होल्डिंग 27% है, कोई प्लेज नहीं है। बहुत लोग ये मुझसे पूछा था कि प्रमोटर होल्डिंग कम है तो इसलिए क्यों इस कंपनी में जाए, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सर कि इसका 16% स्टेक जो ट्रेजरी में है, तो आपको इस दोनों को क्लब करना पड़ेगा। इसलिए आपको देखेगा कि प्रमोटर होल्डिंग एक्चुअली 41% है विद द ट्रेजरी शेयर्स इंक्लूडेड। इसके जो चेयरमैन MD साहब हैं राजेश शर्मा जी, उनको 40 साल का एक्सपीरियंस है इस यू नो इस वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में। प्रोडक्ट सर ये इंटीग्रेटेड वाटर प्ले है इंडिया में, यू नो बहुत कम कंपनीज है दुनिया में बट ये एक मात्र इंडिया में कंपनी है। इन्होंने कुछ 1 लाख+ ग्लोबली इंस्टॉलेशन किए हुए सर, और कोई भी इंडस्ट्री सर, आप कुछ भी प्लांट आपको इंडिया में लगाना है, चाहे आप यू नो सीमेंट की बात करें, शुगर की बात करें, स्टील की बात करें, कोई भी बात करें, किसी भी सेक्टर में बात करें, यू विल नीड दिस कंपनी सर। 60% कंपनी इसका जो 60% रेवेन्यू इसका इंजीनियरिंग से आता है, 30% केमिकल से आता है, और जो रिमेनिंग है इसका कंज्यूमर प्रोडक्ट से आता है। सर इसके 50 पेटेंट्स हैं और 100 प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने कमर्शियलाइज किए हुए हैं। आप क्लाइंट्स की बात करें सर, तो क्लाइंट्स आप नाम लीजिए कोई भी इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल में NTPC, रिलायंस, IOC, JSW, IL&T, ArcelorMittal, भेल, टाटा ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, होटल्स में लीला हुआ, ताज होटल हुआ, हॉलीडे इन हुआ, ओबरॉय हुआ, अपोलो हॉस्पिटल हुआ, DLF हुआ, इंटरनेशनल में कारगिल हुआ, यूनिलिवर ग्रुप हुआ, थाइसन ग्रुप हुआ, कावासाकी, मिसुबिशी, एमिरेट स्टील, कोई भी हुआ। तो आपको कोई भी इंडस्ट्री में कुछ भी करना हो आज की टाइम में आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए चाहिए। तीनों सेगमेंट का सर जल्दी जल्दी बोलता हूं मैं कि इंजीनियरिंग जो 60% सेल्स है सर, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इसका जो एबिट कैगर है लास्ट 5 साल में 46% है, और इसका प्री टैक्स ROC 32% है। आज के डेट में सर इसका ऑर्डर बुक सिर्फ इंजीनियरिंग सेगमेंट 2500 करोड़ है जो 620 करोड़ होता था, तो 4 times का जंप देखा है हमने इन द लास्ट 3 or 6 months। अभी अभी इन्होंने कुछ 1000 करोड़ का एक ऑर्डर और 360 करोड़ का एक अलग से 1360 करोड़ का ऑर्डर यू नो रिसेंटली इसने जीता है। केमिकल्स देखिए सर, केमिकल्स एक हिडन सेगमेंट है इस कंपनी में जो बहुत ही अच्छा कर रही है। सो ये द मैन्युफैक्चर आयन एक्सचेंज के रेजिंस, मेम्ब्रेन्स, स्पेशलिटी केमिकल्स फॉर वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। आप देख रहे हो कि केमिकल्स का किस तरीके से यू नो वैल्यूएशन हो रहा है, पर ये कंपनी को 12-13 टाइम भी मिलता है सर। इसका एबिट कैगर जो है 18% गया है केमिकल्स बिजनेस में 5 साल से। प्री टैक्स ROC सर 73% है, और कंपनी अभी नया कैपेक्स अनाउंस किया है इसने केमिकल्स में 200 करोड़ का, जिसके कारण ये बोल रहे हैं कि हमारा जो कैपेसिटी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी डबल हो जाएगा। और प्रोडक्ट मेरे हिसाब से एक अलग ही डार्क हॉर्स है इस कंपनी में, जो अभी 10% ही है। प्राइस की बात करें सर, एज ए सेड अगर आप कैश और ट्रेजरी निकाल दिए, कैश इसके पास 10% है, ट्रेजरी शेयर एज ए सेड 14-15% है, उसको निकाल दीजिए तो ये कंपनी आपको 12 FY23 में मिलती है सर। 10 साल का कैगर इसका 33% है पैट का, 5 साल का 49% है। वर्किंग कैपिटल देखिए सर, CFO टू EBITDA इसका 90% है सर। सर देर आर वेरी वेरी फ्यू कंपनीज इन इंडिया जिन्होंने कभी डायल्यूशन नहीं किया, ये एकमात्र ऐसी कंपनी है। आपको याद होगा जब हम DVs की बात करते हैं या Alkyl Amines की बात करते हैं,
उन टीवी टूडे की बात करते हैं, कभी भी उन्होंने डायल्यूशन नहीं किया सर, इस कंपनी में आज तक कोई डायल्यूशन नहीं किया, कोई बैड डेट नहीं है, नेट कैश कंपनी है, 3 साल का आरओसी 25% है इस कंपनी का सर, वर्किंग कैपिटल डे सिर्फ 7 दिन है, 7 दिन में पैसा आ जाता है इसको कंपनी में, और 4 साल का एवरेज भी लगाएं तो 43 है, सो किसी भी पैरामीटर में बहुत अच्छा है सर। पीयर्स देखिए तो बाकी एक दूसरा कंपनी जो सर कॉम्पिटिटर है वो वीएटेक वबाग है, छोटी छोटी चीजें सर, जैसे कि ग्रॉस मार्जिन इसका डबल है 40% कंपेयर टू 20% वीएटेक वबाग, सीएफओ टू एबिटा इसका 95% है सर, और वीएटेक वबाग का नेगेटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग कैपिटल डे सर इसके 21 दिन, इसके 9 दिन है, 9 से 10 दिन है, और वीएटेक के 210 दिन है, आरओसी 35% है, वीएटेक की 10% है, सो यू नो इवन इन पेयर्स कंपैरिजन दिस इज वेरी वेरी गुड। ट्रिगर्स क्या होंगे सर, इसमें इसका हाईएस्ट एवर ईपीसी ऑर्डर बुक है आज के दिन में 2500 करोड़ का, और इसका जो ईपीसी रेवेन्यू था 1000 करोड़ का है, सो 2.5 times आपको ऑर्डर बुक टू सेल्स मिल रहा है, और अभी 5,500 करोड़ का और बिड है जो इनको नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। मैनेजमेंट ने कैटेगरी कॉन्कॉल में बोला है सर ये 25% 20% हम लोग ग्रो करेंगे और सस्टेनेबल मार्जिन रहेंगे, अगर ये अचीव कर लेते हैं सर मतलब आपको 40% आरओसी वाली कंपनी 12-13 times एक्स कैश और ट्रेजरी में मिल नहीं सकती है। एज ए सेड दिस इज अ बिग थीम नॉट ओनली फॉर अ क्वार्टर और अ डे, बट अगर आप एक बड़ा ESG पे बुलिश हो तो आपको ये कंपनी देखना चाहिए। वी आर बायस्ड, वी आर यू नो आई एम पर्सनली अ होल्डर ऑफ दिस कंपनी इन टर्म्स ऑफ शेयर्स एंड वी हैव एडवाइस टू ओमकारा क्लाइंट्स आल्सो, सो दैट इज अ बिग डिस्क्लेमर।